और ये है सांची का स्तूप सारनाथ में, और सारनाथ में सांची का स्तूप मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ बिल्कुल पास से, और इसकी बहुत अच्छी कारीगरी करी गई है, और ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है, बन है पत्थर का बना हुआ है, ये स्टोन्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, और ये पत्थर का बना हुआ है, और इसके चारों तरफ ये बनी हुई है रेलिंग जिससे कि हम अंदर नहीं जा सकते, और इसके चारों तरफ बना हुआ है बहुत ही बड़ा ये गार्डन, और उसमें बहुत सारे पुरातत्व के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई राजमहल था, कोई यहाँ पर पानी का कोई स्विमिंग पूल था, कोई यहाँ पर फुआरा लगा हुआ था, इस तरह के यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दूर दूर तक बने हुए हैं। वो देखिए आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आपको वही स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। और ये सांची का स्तूप मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी ऊँचाई, ये कितना ऊँचा है और कितना विशाल है। सारनाथ में सांची का स्तूप मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखा रही हूँ, जो भी देख पाएगा वो बहुत ज़्यादा लकी है, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो आपको सांची का स्तूप इतने पास से देखने को मिल रहा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, विदेशी देशी इसको देखने के लिए, और ये हेरिटेज साइट की जगह है, बहुत ही बड़ा स्तूप सांची का, और इसके चारों तरफ का ये पार्क, शानदार बगीचा कई एकर्स में फैला हुआ, और ये बने हुए इसके अंदर स्ट्रक्चर्स, और ये सांची का स्तूप, सारनाथ सांची का स्तूप। फिर नहीं कहिएगा वर्षा ने सांची का स्तूप नहीं दिखाया, सारनाथ गई हमें क्यों नहीं दिखाया, ये देखिए सांची का स्तूप।